अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मोबाइल चोर गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 51 मोबाइल जब्त, 17 तक हिरासत। तस्वीर में दिख रहा यही वो शख्स है जिसने 11 मार्च की रात अपने 3 साथियों के संग एरोली सेक्टर 20 के चामुंडा मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर 63 मोबाइल चोरी कर चंपत हो गया था। हालांकि सीसीटीवी में कैद इस लुटेरे की तस्वीर ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गिरफ्तार आरोपी से तकरीबन 1.5 लाख कीमत के 51 मोबाइल भी जब्त हुए हैं। जोन 1 के डीसीपी पंकज डहाणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात में शामिल आरोपी के 3 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रबाड़ी पुलिस स्टेशन के जो एरिया में से चामुंडा मोबाइल शॉप है, वहाँ से लगभग 11 मार्च को शॉपिंग में से 63 मोबाइल चोरी गए थे। इस ऑफेंस को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होने के बाद पुलिस स्टेशन की डीपी टीम एपीआई फड़तरे और उनकी टीम ने इस ऑफेंस को डिटेक्ट किया है और उसे लगभग 51 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस बुरे में आरोपी को लगभग 17 मार्च तक PCR रखा। बता दें कि नवी मुंबई के ज्वेलरी शॉप और मोबाइल दुकानों को तोड़कर गहने और महंगे मोबाइल चोरी की घटनाएं आजकल ज्यादा हो रही हैं। पुलिस ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की अपील करती है। चामुंडा मोबाइल शॉपी को लूटने की पहचान इसी सीसीटीवी कैमरे के जरिए हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।